हेलो नमस्ते, दिस इज मनीषा खडवानी. वेलकम टू द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. इट्स दिसंबर एंड इट्स द लास्ट मंथ ऑफ 2022 एंड नेक्स्ट मंथ का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि दिसंबर में मैं आपके लाने वाली हूँ न्यू ईयर स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में क्या होगा खास. आइए देखते हैं आपके लिए साल का आखिरी मंथ क्या लेकर आया है. शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से, यानी कि एरीज से. Aries, you're getting the card of Four of Swords, which means don't forget to give your body some rest, relaxation and rejuvenation. Yani ki jitna bhi aapki body ko rest chahiye, jitna bhi aapki body ko thoda aaram chahiye, don't forget to work on that and focus on that this month. And Knight of Cups ka card bhi aaya hai. Waise Knight of Cups ka card yahi indicate karta hai ki on the love front, ye month aapke liye kafi shubh hone wala hai, kafi auspicious hone wala hai aur aapko koi na koi benefit zarur hoga. Aaiye dekhte hain aapke liye kya hai special angel message. आपके लिए आता है अबंडेंस. वेल, देयर इज सम अबंडेंस कमिंग योर वे दिस मंथ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पैसा तो आने वाला है. सो देयर इज समथिंग फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टू. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरियंस की. आपके लिए आता है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि ऑन द लव फ्रंट, ऑन द पर्सनल फ्रंट या ऑन द करियर फ्रंट आपको काफी सारे ऑप्शंस होने वाले हैं. As far as some opportunities and options are concerned, and Seven of Cups, so ये भी indicate करता है, this month you will be into some luxury shopping or luxury buying. और आपके लिए आता है Six of Cups का card. वैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि this month आप बहुत ही ज्यादा emotion होने वाले हैं, बच्चों के लिए या फिर अपने children के लिए या फिर अपने कुछ family members के लिए आप कुछ खास करना चाहते हैं. और अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है special angel card. आपके लिए आता है अनलाइकली, विच मीन्स राइट नाउ इफ यू एक्सपेक्टिंग फॉर सम मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, सो दैट्स अनलाइकली टू हैपन एट द मोमेंट, बट आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर राउंड द कॉर्नर और वो चीज आपके लिए जरूर होगा. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज, बारी अब आपकी. आपके लिए आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि दिस मंथ इट इज अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू एज फार एज मनी इज कंसर्न, प्रोस्पेरिटी इज कंसर्न और सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल गेन इज कंसर्न. यही कहता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है. वैसे द वर्ल्ड का कार्ड तो यही इंडिकेट करता है कि इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर ट्रैवल. एंड मुझे लगता है कि हॉलीडे सीजन है, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल प्लान बनाएंगे और आप डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताएंगे एंड यू विल बी टेकिंग सम टाइम ऑफ. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. नॉट द राइट टाइम फॉर सर्टेन न्यू प्रोजेक्ट्स और एवेन्यूज और एडवेंचर्स. थोड़ा सा आप वेट कीजिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स है, देन इन द नियर फ्यूचर इट विल बी रिजॉल्व. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. आइए बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कि कैंसरियंस की. देखते हैं आपके लिए क्या है. आपके लिए आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. वैसे औरतों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है. आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड, फोकस्ड और डेडिकेटेड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो यही इंडिकेट करता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना चाहते हैं एंड आप अपने पर्सनल चीजों के ऊपर ये मंथ काफी ध्यान देंगे और सोशल एक्टिविटीज के ऊपर काफी ध्यान देंगे. लेकिन कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं, अपने करियर गोल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. नाइन ऑफ पेंटिकल्स तो यही इंडिकेट करता है कि एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न एंड एनी थिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है नो नीड टू वरी, थिंग्स विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव एंड ब्राइट फॉर यू एंड इट इज अ पॉजिटिव टाइम. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है. आइए बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि लियोस की. आपके लिए आता है द लवर्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि इट्स अ वेरी गुड टाइम ऑन द लव फ्रंट. मुझे लगता है कि ये मंथ आप अपने लव लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, अपने पर्सनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और अपने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. वैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो यही इंडिकेट करता है कि पुरुषों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है एज फार एज न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज कंसर्न, एनीथिंग टू डू विद अ बिजनेस और अ मैरिज प्रपोजल या फिर कोई अगर आपके दिमाग में कोई पार्टनरशिप की बात चल रही है या बिजनेस एक्सपेंशन की बात चल रही है, दिस इज डेफिनेटली योर मंथ. दैट्स व्हाट द कार्ड सेज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल एंजल मैसेज. आपके लिए आता है लिसन टू योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन एंड यू वोंट गो रॉन्ग एंड सी हाउ इट गोज. लिसन
वंस यू लिसन टू योर हार्ट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. आइए बात करते हैं वर्गो की यानी कि कन्या राशि की. आपके लिए आता है एट ऑफ कप्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा कंफ्यूजन एंड इनडिसीजंस आपके दिमाग में होंगे और मुझे लगता है कि इमोशनली ये मंथ आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इज कंसर्न. लेकिन एज फार एज फाइनेंसिस इज कंसर्न दिस इज अ गुड मंथ. यू विल बी वेरी काइंड, गिविंग, सपोर्टिव एंड यू विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. यही कहता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है अपॉर्चुनिटी. देर विल बी सम न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉर यू दिस मंथ एंड देर इज समथिंग फॉर यू टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड समथिंग फॉर यू टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं तुला राशि की यानी कि लिब्रेंस की. देखते हैं आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा इनडिसीजन हो सकता है एज फार एज सर्टन थिंग्स आर कंसर्न. यू मे बी फीलिंग अ लिटिल हैवी ओवरबर्डन अबाउट सर्टन प्रैक्टिकल डिसीजन दैट यू नीड टू टेक. नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया. वैसे नाइन ऑफ कप्स तो यही इंडिकेट करता है कि ऑन द लव फ्रंट ये टाइम आपके लिए काफी ऑस्पिशियस है, काफी बेटर है. एंड नाइन ऑफ कप्स तो ये भी इंडिकेट करता है कि कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपके लिए दिस मंथ. सो दैट इज डेफिनेटली ऑस्पिशियस. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है नो इफ सर्टन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू इट इज फॉर योर बेटरमेंट. सो जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड हैव फेथ इन द डिवाइन. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियंस की. आपके लिए आता है फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है देयर इज सम सेलिब्रेशन, देयर इज सम गुड न्यूज, देयर इज समथिंग फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टू. फोर ऑफ वॉन्स तो यही इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है. वैसे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी टैलेंट की तारीफ करेंगे और आपके स्किल्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं एंड प्रेज करने वाले हैं. सो आई थिंक दैट इज pretty good thing that's going to happen. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है आस्क योर एंजल्स. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर भी अटके हुए हैं सो डेफिनेटली आस्क योर एंजल्स फॉर सम गाइडेंस एंड दे विल हेल्प यू. वैसे आपके कार्ड को देखकर लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है काफी हाई. धनुराशि यानी कि सैजिटेरियंस बारी अब आपकी. आपके लिए आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि युवा पीढ़ी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इज कंसर्न, प्रोस्पेरिटी इज कंसर्न और सम ग्रोथ इज कंसर्न. नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो यही इंडिकेट करता है कि यू विल बी मूविंग अहेड एंड चार्जिंग अहेड टुवर्ड्स योर करियर एंड मे बी इन द न्यू ईयर यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू करियर गोल्स. एंड नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है. यू विल बी अ लिटिल गार्डेड एंड लिटिल डिफेंसिव अबाउट सर्टन थिंग्स एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू नीड टू बी केयरफुल कि कोई आपको हर्ट ना करे. अब आई देखते आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. फॉरगिवनेस का कार्ड आता है. इट्स टाइम फॉर यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लेट थिंग्स गो एंड इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी इन योर लाइफ. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. आइए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की यानी कि मकर राशि की. देखते आपके लिए क्या है. आपके लिए आता है चैरियट का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि यू विल बी चार्जिंग अहेड, मूविंग अहेड एंड गोइंग अहेड एज फार एज वर्क डिसीजंस आर कंसर्न. एंड चैरियट तो ये भी इंडिकेट करता है कि यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन अ मोर अग्रेसिव मैनर टुवर्ड्स योर करियर गोल्स दिस मंथ. क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही फोकस्ड है, आपको क्या हासिल करना है. टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. पैसे के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है. आपको कोई अबंडेंस मिल सकता है, पैसा मिल सकता है. मुझे लगता है कि कोई ब्लॉक्ड मनी भी आ सकता है. तो लुक्स लाइक यू हैविंग अ गुड मंथ कैप्रिकॉर्न. आई देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है यस थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड दिसंबर का मंथ आल्सो कुछ लोगों का बर्थडे मंथ होगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए. सो यू विल डेफिनेटली बी फीलिंग क्वाइट एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे प्लान. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर रहा है. आइए बात करते हैं कुंभ राशि की एंड के एक्वेरियंस की. आपके लिए आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. वैसे औरतों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है एज फार एज मनी इज कंसर्न, एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज सम वर्क अपॉर्चुनिटीज इज कंसर्न. देयर इज समथिंग फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड जस्टिस का कार्ड आया है. वैसे कोई लीगल मैटर्स में भी आपको जस्टिस मिलने वाला है एंड थिंग्स विल लुक पॉजिटिव फॉर यू एंड दे आर लुकिंग in a good space at the moment as far as your personal and professional matters are concerned. आपके लिए लेकिन कार्ड आता है वेट यानी कि अगर आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए. वो चीज जरूर आपके लाइफ में बेटर होगा एंड समय के साथ ठीक होगा. वैसे आपके कार्ड को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. आइए बात करते हैं आखिरी राशि की मीन राशि यानी कि पाइसिस. देखते हैं आपके लिए क्या है.
आपके लिए आता है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि समबडी कुड बी स्टैबिंग यू इन द बैक, समबडी कुड बी चीटिंग यू और समबडी कुड बी डिस्टर्बिंग यू एज फार एज सर्टेन एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बुलीड और अपसेट अबाउट सर्टेन थिंग्स। आपके लिए सेकंड कार्ड आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का जो इंडिकेट करता है कि कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका दिल दुखाने की कोशिश कर सकते हैं, बट डोंट अलाउ देयर क्रिटिसिज्म टू गेट टू यू एंड यू आर डेफिनेटली मोर पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट एंड फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स नॉट ऑन योर बर्डन्स। अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल एंजल कार्ड। सक्सेस विल बी कमिंग योर वे, यू जस्ट हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड आई एम श्योर द न्यू ईयर विल बी प्रीटी पॉजिटिव फॉर यू। 2023 आपके लिए शुभ होने वाला है। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो। दिसंबर के मंथ में क्या होने वाला है खास ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी नेक्स्ट मंथ फॉर द न्यू ईयर स्पेशल जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी आपके सन साइन के अनुसार क्या होने वाला है 2023 में। टिल देन यू टेक केयर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मंथ अहेड।